राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जिसे भूलना शायद नामुमकिन है। इस इंडस्ट्री में सबसे पहला सुपरस्टारडम उन्हें ही मिला था। एक्टिंग की दुनिया में राजेश खन्ना ने वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी स्टार को मिल पाएगा। राजेश खन्ना 1970 से 1987 के दशक में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर बन गए थे। उन्होंने अपने करियर में लगातार 15 हिट फिल्में देकर एक रिकॉर्ड बनाया था। अपने एक्टिंग करियर के उस दौर में जब उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी, उस दौर में भी राजेश खन्ना ने 1971 में आई एक फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। राजेश खन्ना भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 70 से लेकर 80 दशक के बीच राजेश खन्ना ने बॉलीवुड पर जमकर राज किया। वो अपने दौर के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार भी बने, लेकिन साल 1971 में रिलीज हुई राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के लिए उन्होंने फीस नहीं ली थी। उस समय लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये फैसला काफी फायदेमंद साबित हुआ था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ये फीस क्यों नहीं ली थी। कुछ वक्त पहले ही ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में फिल्म हिस्टोरियन दिलीप ठाकुर ने ये खुलासा किया था कि राजेश खन्ना ने आनंद के लिए एक रुपया नहीं लिया था। उन्होंने कहा, राजेश खन्ना ने आनंद में काम करने के लिए बतौर फीस एक रुपया भी ना लेकर इसके बदले में उन्होंने शक्ति राज फिल्म्स के बैनर तले मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की डिमांड की थी। इसके बाद राजेश खन्ना को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल कर खूब कमाई मिली थी। दिलीप ठाकुर ने आगे ये भी बताया, राजेश खन्ना ने आनंद के डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी फीस से 10 गुना ज्यादा कमाई कर ली थी। सुपरस्टार ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी। रिलीज होने के बाद ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शुमार हो गई। अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाते हैं। आनंद मूवी का डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि राजेश खन्ना ब्लॉकबस्टर फिल्म आनंद के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना से पहले धर्मेंद्र और किशोर कुमार को भी फिल्म की स्क्रिप्ट बताई थी। उन्होंने चेन्नई से मुंबई जा रहे धर्मेंद्र को फ्लाइट में ही आनंद की स्टोरी नरेट की थी। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने दोनों स्टार्स को छोड़ राजेश खन्ना को फिल्म के लिए चुन लिया था। दिलीप ठाकुर ने यह भी बताया कि उस दौर में राजेश खन्ना सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल थे, इसलिए उनका शेड्यूल काफी बिजी रहता था। वो एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की शूटिंग के लिए उनसे अपनी डेट्स देने की डिमांड की और राजेश खन्ना राजी हो गए। नतीजा ये रहा कि महज 28 दिनों में ही आनंद की शूटिंग पूरी हो गई थी। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।